बात सन 1945 की है। भारत अभी भी आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था और लाहौर और गोरखपुर एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। उसी लाहौर में एक मोहल्ले में नाजरीन और दिव्यांश दोनों रहते थे। दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था उसे आज भी दुनिया नहीं समझ पाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में मोहब्बत का रिश्ता था। और ये 1945 की बात है दोस्तों, जब ना मोबाइल हुआ करता था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने का मतलब होता था कि आपके घर से कोई छोटा भाई या बहन दो पैसे लेकर और उसकी मिठाई खरीदते हुए उस तक आपका खत पहुँचाता था और वहाँ से जवाब लेकर आता था। तो इस तरह से नाजनीन और दिव्यांश दोनों ही प्यार के आपस में चला रहे थे। 1946 मार्च का महीना, खैर मार्च नहीं कहेंगे, फागुन का महीना। फागुन का महीना था जब हर तरफ प्यार और रोमांस चल रहा था। अच्छा, आप एक गौर किया करिए, अक्सर वैलेंटाइन डे और होली अगर डेट आगे पीछे ना हो तो एक महीने के अंदर ही पड़ती है। यानी अंग्रेज भी प्यार का त्यौहार जो है वो फागुन में ही मनाते हैं, तो फागुन तो वैसे ही प्यार का महीना होता है। ये दोनों होली साथ में मनाते थे क्योंकि उस समय घरों में सब एक थे। और यकीन मानिए, जितना आज के नेता हमारे अंदर ये हिंदू मुस्लिम और भावनाएं भर रहे हैं, उस समय किसी के दिल में नहीं था। सबके एक ही हीरो हुआ करते थे, महात्मा गांधी, और बस उन्हीं के कहने पर देश चलता था। तो होली के दिन गुजिया लेकर, जी हाँ, गुजिया लेकर नाजनीन दिव्यांश के घर आई, बोली होली है, मैं तुम्हारे लिए गुजिया लाई हूँ। दोनों ने गुजिया साथ में खाया, शुक्रिया, दोनों ने गुजिया साथ में खाया और साथ में रंग मनाया लगाया। लेकिन हाँ, लड़कियां चाहे 1945 हो चाहे 2018, नखरे करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार सा है। जब रंग लगाने गई तो नाजनीन ने मुस्कुरा कर बोला, जरा गौर करना, मेरे दुपट्टे में रंग ना लग जाए। और इसके जवाब में दिव्यांश ने बोला था, अरे मैं तो तुम्हारा मन रंग दूंगा, तुम कहां दुपट्टे में पड़ी हुई हो। फिर इसके बाद उसने धीरे से हाथों में अबीर, और उस समय सिर्फ टेसू के फूलों के रंग आते थे, ये मार्केट के रंग उस समय नहीं होते थे, टेसू के फूलों से लाल रंग निकाला, अंगूठे में लिया और उसके मांग में लगा दिया और बोला, देखो चाहे जिंदगी आगे हम दोनों को कहीं भी ले जाए, आज तो मैं तुम्हें अपनी बना के छोड़ूंगा। उसके बाद वो दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। बस मोहब्बत में इतना ही होता था, इजहार मोहब्बत सिर्फ इतना सा ही होता था। होते होते अगला साल आया 1946। अब 1946 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था। क्यों? विश्व युद्ध खत्म हो गया था और अंग्रेज जो है वो भारतीय उपनिवेश को छोड़ के जाने वाले थे। अब छोड़ के जाने से पहले उन्होंने एक प्लान रखा था जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसमें जिन्ना ने इनिशिएट किया था कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। महात्मा गांधी इसके लिए तैयार ना थे, पर 1946 जो है वो शायद इसके लिए तैयार कर रहा था। इन सब से बेखबर नाजनीन और दिव्यांश, वो तो बस प्यार के रंग में डूबे जा रहे थे। अरे सियासत होगी नेहरू, गांधी और जिन्ना के लिए, इन दोनों के लिए तो बस लाहौर का वो मोहल्ला था, वो गलियां थी, वो छोटे भाई बहन द्वारा भेजे गए के हाथों भेजे गए खत थे, और एक दूसरे को देख लेने के बाद वो महीनों महीनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, तो एक बार देख लेने के बाद वो हफ्ते भर की रातें काट लेते थे। और जब उन लोग में लड़ाई होती थी तो लड़ाई की बातें भी खत में लिखी जाती थी। सोचिए, जब आपको खत लिख के कोई बोले कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो खत पढ़ने के बाद वो जो मोहब्बत उमड़ती है वो क्या कसब उमड़ती है।
तो ऐसे ही एक बार, ये लगभग अगस्त का महीना था, अगस्त की शुरुआत थी, वो दोनों बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। नाजनीन ने बोला, अरे दिव्यांश, अब तो तुम अच्छा खासा कमा भी लेते हो, सरकारी मुलाजिम हो गए हो, 1 रुपया 8 पैसे तुम्हारी तनख्वाह भी पक्की हो गई है, कब मेरे अब्बू से आके बात करोगे, अब तो मेरे घर निकाह के रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। उसने कहा था, यकीन मानो, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। उन्होंने तारीख मुकर्रर की, और तारीख मुकर्रर करते समय उन दोनों ने ग्रेगरियन कैलेंडर का वो सहारा लिया। कारण, क्योंकि चाहे आपका हिंदू कैलेंडर हो चाहे इस्लामिक कैलेंडर हो, उसमें अक्सर तिथियों का लोप हो जाता है, 1-2 डेट ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन ग्रेगरियन कैलेंडर में डेट क्लियर रहते हैं। तो उन्होंने डेट रखी कि आज से ठीक 3 हफ्ते बाद 28 अगस्त को हम लोग साथ में भाग जाएंगे, हम लोग लाहौर से भागेंगे और हम लोग अमृतसर जाएंगे, वहां पे निकाह करेंगे और नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में कहा जाता है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, तो ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आती है वो मनहूस तारीख जिसे इतिहास 26 अगस्त 1946 के नाम से जानता है, या डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानता है। डायरेक्ट एक्शन डे वो दिन था जब जिन्ना ने अनाउंस कर दिया था कि अब भारत में कत्लेआम होगा, ताकि उन लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की डिमांड हमारी कितनी तगड़ी है। डायरेक्ट एक्शन डे, और लाहौर उस समय बहुत बड़ा सेंटर था, वो अरे इंडियन मुस्लिम लीग के सबसे बड़े सेंटर्स में एक था लाहौर, तो इसकी लपट लाहौर भी पहुँचनी थी। जैसे ही इसकी खबर नाजनीन और दिव्यांश के पापा लोग को पहुंची, वो लोग हैरान रह गए। लेकिन कहते हैं ना, ये हिंदुस्तान था, ये उस समय का हिंदुस्तान था, तो लाहौर में जहां वो रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाका था। तो नाजनीन के फादर ने दिव्यांश के फादर से बोला, आप चिंता मत करिए, आपके ऊपर अगर कोई आज भी आएगी तो पहले मेरे और मेरे परिवार के होके गुजरेगी, आप मेरे घर में रहिए। ये गांधी के समय का हिंदुस्तान था जनाब, आज के समय का नहीं था। फिर जैसे ही इन दोनों को ये बात पता चली, ये दोनों परेशान हो गए। जो प्लान उन्होंने 4 दिन बाद का बनाया था, उस पे लोग सोचने लगे, हम लोग कैसे काम करेंगे। फिर उसके बाद ये दोनों लोग ने सोचा कि चलो अब भाग चलते हैं। ये लोग निकले, वहां से ट्रेन पकड़े और अमृतसर आए। पर हाय रे किस्मत, वो ट्रेन क्या थी, बस मौत का बुलावा था। डायरेक्ट एक्शन डे के अगले दिन लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, पंजाब, चाहे ढाका से चलने वाली कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं थी जिसमें बैठा हुआ आदमी जिंदा अपने गंतव्य तक पहुंचा हो। ट्रेन इंसानों को लेकर चलती थी और लाशों को लेकर स्टेशन पर पहुंचती थी। उसी में दिव्यांश और नाजनीन दोनों ट्रेन में चढ़े। हाँ, एक बार दोनों ने गौर की कि नाजनीन ने भी कोई भी ऐसा लिबास नहीं पहना था या बुरखा नहीं पहना था, और दिव्यांश ने भी अपने हाथ पे जो भी उसने कलाई में अपने रक्षा सूत्र बांधे थे सब उतार दिया था कि उनके धर्म का किसी को पता ना चले। लेकिन वहाँ पे एक और खतरा था, अगर आपके धर्म का पता नहीं चलता था, मतलब आप ईसाई हो, और उस समय ईसाई होने का एक ही मतलब था कि आप अंग्रेज हो, तो और खतरनाक था। खैर, दोनों किसी तरह ट्रेन में बैठे थे, टॉयलेट में छुपते छुपाते। ट्रेन लाहौर से चलती हुई अभी दिल्ली की ओर आ रही थी, अमृतसर स्टॉपेज पर वही हुआ जिसका डर था। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के कुछ लोग हाथों में नंगी तलवारें लेते हुए घुस गए ट्रेन में, और हर एक बर्थ पैसे खटखटाते बोलते हुए, यहाँ कोई हिंदू तो नहीं, यहाँ कोई हिंदू तो नहीं, यहाँ तो कोई हिंदू नहीं, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, और सब उनकी बात रिपीट करते हुए आगे चल रहे थे। दिव्यांश और नाजनीन बहुत डरे हुए टॉयलेट में छुपे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ये देश हमेशा जयचंदों से ही आ रहा है, गद्दारों से ही आ रहा है। उसी ट्रेन में मौजूद एक इंसान ने उनको बता दिया कि वो जो लड़का वहां बैठा है दिव्यांश, वो हिंदू है। ये सुनते ही जो लोग आए थे डायरेक्ट एक्शन डे वाले, उनकी आंखों में जैसे एक अंगारा सा आ गया। उन्हें लगा कि बस अब तो हमें यहाँ पे उसको मारना ही है। तलवार उठाई और तलवार भाजी, लेकिन तलवार और दिव्यांश के बीच में नाजनीन खड़ी थी। तलवार चली थी तो दिव्यांश के लिए, लेकिन नाजनीन ने उसे अपनी गर्दन पर ले लिया, और जैसे उन्हें पता चला उन्होंने जिसे मारा वो उन्हीं के धर्म की थी, वो लोग ट्रेन से कूद के भाग गए।
लोग भौचक थे, लेकिन ड्राइवर समझदार था। ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी, वो जानता था ट्रेन रुकते तो लोग और लोगों को लेकर आ सकते थे। ट्रेन चले जा रही थी, चले जा रही थी, चले जा रही थी। ट्रेन दिल्ली पहुंची। दिल्ली उस दिन एक नहीं दो लाशें पहुंची थी। एक नाजनीन की लाश थी जो दिव्यांश के बाहों में थी, और एक दिव्यांश था जिसकी आंखें तो खुली थी, सांसें भी चल रही थी, लेकिन वो बस एक जिंदा लाश बन चुका था। कहते हैं 1947 में बंटवारे के वक्त बहुत से लोग पागल हुए, बहुत से लोग अपने परिवार को खो दिए, बहुत से लोग लापता हुए। उन्हीं लापताओं में एक नाम दिव्यांश का भी 1947 से लाहौर में चल रहा है। यदि आपको कभी उसका पता चले तो लाहौर में उसके परिवार वालों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद।